प्यारे प्यारे बच्चों का मिशन शिक्षा संवाद में पढ़ाई से प्रतियोगिता तक में बहुत बहुत स्वागत है। आइए बच्चों, हम सब मिलकर प्राथमिक स्तर पर सामान्य ज्ञान में पृथ्वी की गति को समझें। इसके लिए शीट नंबर 46 को देखेंगे, जिसमें घूर्णन और परिक्रमण गति के प्रभाव को समझेंगे। आइए पृथ्वी की गतियों को समझें एक वीडियो से। बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पृथ्वी की गतियों का प्रभाव को हमको देखना है कि जब पृथ्वी गति करती है तो पृथ्वी कैसे गति करती है। आपको पिछले वीडियो में बताया गया है कि पृथ्वी दो तरीके से गति करती है, एक होती है घूर्णन गति और दूसरी होती है परिक्रमण। घूर्णन गति और परिक्रमण गति, घूर्णन गति जो होता है बच्चों, जब हम अक्ष पे घूमते हैं, जब अक्ष पे ये घूमता है तब उसको कहते हैं घूर्णन गति। और जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है पृथ्वी तब उसको कहते हैं परिक्रमण, जिसको कहा जाता है वार्षिक गति। और घूर्णन गति को हम लोग दैनिक गति भी कहते हैं। तो बच्चों, एक घूर्णन गति होने में 24 घंटे लगते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। और परिक्रमण गति करने में बच्चों 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड लगते हैं। इसका मतलब कि 365 दिन 1/4 का समय लगता है इसको पूरी परिक्रमा करने में। तो आइए बच्चों देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। पहले हम लोग घूर्णन गति का देख लेते हैं कि इसके होने से क्या प्रभाव पड़ता है और परिक्रमण से क्या प्रभाव पड़ता है। घूर्णन गति से बच्चों दिन और रात का होना, बिल्कुल आप जानते हैं कि 24 घंटे होते हैं, तो दिन और रात का होना किस पर निर्भर करता है? घूर्णन गति पे। हवाओं और धाराओं की दिशा का बदलना भी किस पे होता है? घूर्णन गति पे निर्भर करता है बच्चों। सूर्य, चंद्रमा और अंतरिक्ष में उपस्थित दूसरे पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, ये भी किस पर डिपेंड करता है? ये भी घूर्णन गति पे होता है। आगे बच्चों, ज्वार भाटा की दैनिक अथवा अर्ध दैनिक आवृत्ति तथा इसकी दिशा पृथ्वी की गति उत्पन्न ज्वलित तरंगों गति से प्रभावित होती है, ये भी किस पर निर्भर करता है बच्चों? घूर्णन गति पे। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई ये सब हमारी घूर्णन गति पे ही निर्भर करता है, क्योंकि घूर्णन गति अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। अब आइए समझते हैं परिक्रमण में। जैसा कि मैंने बताया कि इस समय जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या होती है, घूमती है, तो उसमें समय लग जाता है 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है? दिन रात का छोटा और बड़ा होना, दिन और रात का छोटा बड़ा होना ये परिक्रमण गति पर निर्भर करता है। ऋतु परिवर्तन, जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है, गर्मी के बाद सर्दी, फिर बसंत ऋतु, तो वो सब परिक्रमण गति की वजह से होता है। कर्क और मकर रेखा का निर्धारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कर्क और मकर रेखा का जो निर्धारण होता है वो भी परिक्रमण गति पे ही निर्भर करता है। सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना, ये भी किसमें बनता है? परिक्रमण से। सूर्य की किरणों का तिरछा और सीधा चमकना, ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात का होना भी परिक्रमण गति का ही परिणाम है, मतलब वार्षिक गति का ही परिणाम है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मिलेंगे बच्चों, आइए एक बार फिर से समझे पृथ्वी की गतियों के प्रभाव। घूर्णन या दैनिक गति का प्रभाव, इससे बच्चों दिन और रात का होना, हवाओं और धाराओं की दिशा का बदलना घूर्णन गति के प्रभाव से होता है। सूर्य, चंद्रमा और अंतरिक्ष में उपस्थित दूसरे पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं, ये भी दैनिक गति का प्रभाव है। आगे देखते हैं, ज्वार भाटा की दैनिक अथवा अर्ध दैनिक आवृत्ति तथा इसे उत्पन्न ज्वारीय तरंगों की दिशा पृथ्वी की घूर्णन गति से ही प्रभावित होती है, ये भी घूर्णन गति का ही प्रभाव है। आइए अब परिक्रमण यानी वार्षिक गति का प्रभाव देखें। दिन रात का छोटा और बड़ा होना, ऋतु परिवर्तन होना, कर्क और मकर रेखा का जो निर्धारण होता है बच्चों वो भी परिक्रमण यानी वार्षिक गति के प्रभाव से होता है। सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना, विषुर और उपसौर तथा अपसौर की स्थिति का होना, ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात का होना भी परिक्रमण पर निर्भर करता है। आइए कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति के दो प्रभाव बताइए। पृथ्वी की परिक्रमण गति के दो प्रभाव लिखिए। दिन और रात का बनना पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? इन प्रश्नों को हल कर लीजिएगा बच्चों। फिर से मिलेंगे, बाय बच्चों।